हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ एक करी। एक करी बनाने के लिए हमें चाहिए एक। इसे बनाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए, मैं कढ़ाई ऑलरेडी बैठा चुकी हूँ, गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी मास्टर ऑयल, देख सकते हैं आप मास्टर ऑयल। इसे गर्म होने छोड़ देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर है एक। एक में मैं ऐड करूंगी नमक और हल्दी। इसे ठीक से मिलाना है। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, एक मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम एक करी बनाने के लिए कढ़ाई आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने भिगा चुकी हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी होल गरम मसाला। इसके बाद ऐड करूँगी प्याज। इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन कलर तक हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन प्याज टमाटर की पेस्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारा पिंक कलर हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन टमाटर प्याज का पेस्ट। आप देख सकते हैं ये पेस्ट है। इसे हम ठीक से चलाएंगे, जब तक मसाला का कच्चापन ना जाए तब तक हम इसे चलाना है। ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप समझिएगा जब ये मसाला तेल छोड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, कुछ भी करी बनाइए एक ही पेस्ट चाहिए, टमाटर अदरक लहसुन प्याज, सारे ग्रेवी एक ही होती है। टमाटर और ये हमारा फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं एक हमारा फ्राई हो रहा है इधर। इधर मैं करी के लिए मसाला फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, नमक, जीरा धनिया का पेस्ट, सब इसे चला लेते हैं एक बार, जल ना जाए। फ्लेम आप लो कर दीजिए, मसाला आपका जल ना जाए। ऐड करते हैं लाल मिर्च। मिर्च आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना तीखा खाते हैं। मेरी बेटी तीखा बहुत कम खाती है, इसलिए मैं बहुत कम डाली हूँ। आप आपके हिसाब में डालिए। सारे मसालों को भी हम फ्राई करेंगे। अब देख रहे हैं मसाला ऑयल छोड़ रहे हैं। अभी मैं फ्लेम बहुत ही कम रखी हूँ, देख सकते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी ऑयल छोड़ चुका है, फ्राई हो चुका है मसाला हमारा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। मैं इसे बहुत ही बहुत ही कम ग्रेवी से, मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही थोड़ा चाहिए। आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक
सारे एक को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। देखिए आप, मैं बहुत ही कम ग्रेवी डाली हूँ। ग्रेवी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक कड़ी कंप्लीट, इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा हुआ। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी यम्मी। आप देख सकते हैं आप लोग जरूर बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।